बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 8 मार्च शिवरात्रि के दिन बागेश्वर धाम पर 156 बेटियों के विवाह कर इतिहास रच दिया। उन्होंने असहाय, वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की 156 बेटियों के विवाह बागेश्वर धाम पर किए और उन्हें गृहस्थी का पूरा सामान भेंट किया। इस मौके पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने देश भर के मंदिरों और मठों से अपील की थी कि वे भी मंदिर की दान पेटी में आने वाले चढ़ावे से गरीब कन्याओं के विवाह करें। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की इसी अपील का असर हुआ और छतरपुर के खेरे की देवी मंदिर समिति ने छतरपुर के ही एक गरीब परिवार की बेटी का विवाह किया। छतरपुर में रहने वाली सुंदन अहिरवार अपनी बेटी के विवाह के लिए परेशान थी। उनके पति का स्वर्गवास हो चुका है, घर में 3 बेटियां थीं। विवाह के लिए वे परेशान थीं। तभी खेरे की देवी मंदिर समिति को ये पता लगा और उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के आवाहन पर इस बेटी का विवाह हर्षोल्लास के साथ कराया। रेखा अहिरवार नाम की लड़की का विवाह मंदिर समिति के द्वारा न सिर्फ हर्षोल्लास के साथ कराया गया बल्कि उसे सभी ने मिलजुल कर गृहस्थी का सामान भी भेंट किया। जब ये बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को पता लगी तो उन्होंने खेरे की देवी मंदिर समिति के सदस्यों को धाम पर बुलाकर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने पट्टिका पहनाकर पूरी समिति को आशीर्वाद दिया और इस पहल की जमकर सराहना भी की। इस मौके पर बेटी की मां भी भावुक नजर आई। खेरे की देवी मंदिर समिति के शिव प्रताप सिंह और उनके साथ पहुंचे समिति के अन्य सदस्यों ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का आशीर्वाद लिया और कहा कि आगे भी वे जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। कहां शादी होने थी? पहले हमारी शादी बागेश्वर धाम से होनी थी, वो किसी चीज से व्यवस्था बिगड़ने के कारण फार्म नहीं भर पाया, इसीलिए हमारी शादी खेरे की माता के मंदिर से हुई है। सब लोगों ने सहयोग किया है, सब लोगों ने मदद की है। बहुत परेशान थे हम, लेकिन माता ने और सब लोगों ने सहयोग की कि हमारी शादी संपन्न की है और गुरुजी ने आज आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, इसलिए आशीर्वाद भी दिया और बहुत अच्छा कार्य कर रहे गुरुजी, धरती पे आके सभी का उद्धार कर रहे। वो बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो बालाजी सरकार की जय। देखिए, जो रेखा अहिरवार है और छतरपुर निवासी है, इसके पिता नहीं है और जो चाह रही थी और इसकी माँ भी चाह रही थी कि बागेश्वर धाम से हमारी शादी हो, धूमधाम से हो, जो सामूहिक विवाह किए जा रहे थे उसमें हो, लेकिन किसी कारणवश इन लोगों की व्यवस्था नहीं हो पाई और नंबर नहीं आ पाया, इस कारण से यह शादी नहीं हो पाई थी। फिर महाराज जी ने संकल्प लिया और सभी ने वहाँ पर बताया कि बागेश्वर महाराज जी का आदेश है कि हर एक मंदिर और मठ एक एक शादी मंदिरों से, अपने मंदिरों से, दान पेटियों से करे। इस तारतम्य में खेरी की देवी मंदिर समिति, वहाँ के पुजारी और वहाँ के मोहल्लेवासियों ने सहयोग किया और इनकी रेखा की शादी खेरी की देवी मंदिर से धूमधाम से मैं दान दहेज के संपन्न हुई। और आज महाराज जी ने बुलाया था और उसमें लड़का और लड़की दोनों को आशीर्वाद भी दिया है और अपने गले लगा के बड़े प्रेम से इन्हें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए आज आशीर्वाद दिया है।